Okay, so welcome to the exciting video. And आज अपन जो अपने PC के अंदर का कैबिनेट की जो केबल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी उसे फिक्स आउट करने वाले हैं. एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम बिकॉज जो है लाइट वगैरह भी नहीं है, तो मैं अपने एक नूब एक्सपीरियंस होगा एंड सही में देखते हैं अपन किस तरीके से करते हैं, तो एडवेंचरस भी रहेगा भाई क्योंकि अपन को कोई भी आइडिया नहीं है. तो अपन जो है देखते हैं अपन किस तरीके से केबल मैनेजमेंट फिक्स करते हैं. बहुत ज्यादा केबल्स उलझी हुई है जैसे कि तुमने पुराने वाली वीडियो में भी देखा था, सो अपन सबको फिक्स कर देंगे. लेट्स गो. Finally, you can see the dust around this cabinet. And let's see, अपन इसे कैसे ओपन करते हैं. दो साइड होती है, एक तो ये वाली साइड होती है जहाँ से यूजुअली ओपन हो जाता है, बट ये दूसरी साइड होती है जिससे ओपन करके अपन को बैक केबल्स देखने को मिलती है एंड उसका मैनेजमेंट. तो अपन सारी चीज चेकआउट करेंगे एंड लेट्स सी मैं कैसे केबल्स को मैनेज करता हूँ. लेट्स गो. फाइनली लेट्स ओपन दिस अप. अपन पहले ये वाली साइड खोलेंगे. ये जो है ये Let's go. तो ये बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं. जैसे कि ये देखो मेरे हाथ से खुल गए, ये मतलब ज्यादा इसे टाइट नहीं करोगे तो ये बहुत ही इजीली खुल जाता है. एंड ये होते ही हैं, जैसे कि तुम थोड़ा सा भी अच्छा कैबिनेट लोगे तो ये बहुत ही इजीली यहाँ से खुल जाएंगे. सो जस्ट लुक एट दिस. ये देखो ये जो है ये एकदम ट्रांसलूसेंट ऐसा सा, बहुत से जो है एकदम ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, बट ये इतना ज्यादा एकदम खतरनाक सा कैबिनेट नहीं है. सो इसका बहुत ज्यादा नॉर्मल सा है, यू कैन सी. सो ये जो है खुल गया है, अपन इसे रख देते हैं साइड में. ओके, सो वी आर फाइनली हियर एंड हियर यू कैन सी भाई केबल मैनेजमेंट. कहते इसे केबल मैनेजमेंट भी नहीं कहते, लिटरली सालों ने ऐसे ही लगा दिया. पता नहीं यार उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी वरना तो मैं सुना देता भाई उसे. बट देखो अब तुम देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा केबल की तो बुंडी मार रखी है. सो अपन को पीछे की साइड से खोलना पड़ेगा. तो ये जो है ऐसे खुलता है. सो ये वाली साइड तुम्हें दिख रही है एंड इसके अंदर स्क्रूज वगैरह नहीं होते. अपन को यहाँ से जो है इसे खोलना पड़ेगा, एकदम जो है थोड़ा जबरदस्ती करके इस साइड से स्लाइड करना पड़ेगा. तो ये स्लाइड मैकेनिज्म होता है इसका एंड उस साइड से खुल जाएगा. फिर अपन को जो है पीछे की जो केबल मैनेजमेंट होती है, केबल मैनेजमेंट हमेशा इस तरह से होता है. अपन को जो है सारी केबल्स पीछे सेटल कर देनी होती है. जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो ये सारी केबल्स इसी साइड है, तो अपन उसे पीछे सेटल कर देंगे ताकि जो है केबल अपन को इस साइड ना दिखे, सारी की सारी पीछे इस साइड चली जाए. तो इस साइड का अपन नजारा देखते हैं उस साइड किया क्या इन लोगों ने. दोस्तों अपन ने कमरा शिफ्ट कर लिया ऑब्वियसली, साफ सफाई इज द रीजन. एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो अपने इसके अनस्क्रू कर ही लिया था एंड अपन ने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है एकदम कुचलनी की स्क्रू ड्राइवर से एंड ये फाइनली जो है खुल चुका है. अब अपन को सिंपली से ऐसे खुल गया भाई. ये देखो, सो ये बहुत ज्यादा एकदम टफ सा बढ़िया सा एकदम लग तो रहा है, एकदम भारी सा है भाई, दम है इसमें. सो इसको अपन रख देते हैं साइड में. एंड ये देखो मेरे मदरबोर्ड का पिछवाड़ा, अनसीन फुटेज ऑफ माय मदरबोर्ड. हियर यू कैन सी माय मदरबोर्ड न्यू. सो भाई ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये सब चीज़ें. एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो ये जो है अपन को यहाँ पे वायर्स देखने को मिल रही है जो कि सिर्फ पीछे से सेटल डाउन कर दी है, वो भी सिर्फ पावर सप्लाई की. यहाँ पे बहुत सारा केबल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है. सो अपन फाइंड आउट करते हैं अपन कैसे करेंगे. सो लेट्स सी अपन कैसे करते हैं. एंड सही में मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पता नहीं है भाई पीसी बिल्ड के बारे में, बट सही में मज़ा आएगा, अपन साथ में एक्सप्लोर करेंगे. एंड कहते हैं भाई पीसी बिल्ड बच्चों का काम है. सो लेट्स सी अपन जो है कैसे करते हैं. फाइनली हियर एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई वायर्स किस तरीके से कर रखी है. एंड ये रहा मेरा मदरबोर्ड का अगेन न्यूड्स. लेट्स गो. सो अपन जो है देखते हैं भाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ओहो ये कौन सी जगह है, स्पाइडी रहता है क्या यहाँ पे भाई. बहुत ही ऐसे गंदा सा भी हो रखा है क्योंकि देखो ये खुलता नहीं आने वाला पार्ट एंड यहाँ पे मैं क्लीन भी नहीं कर पाता. बट अब अपन देखते हैं अपन कैसे इसे सही करते हैं भाई. एंड तुम देख सकते हो इस साइड में ड्रैग करता हूँ इसे, तो ये देखो ये रहा वो पार्ट एंड यहाँ पे देखो वायर्स कैसे है, तो दोनों साइड अपन को देखने को मिल रही है. सो अपने पास ये रहेगा कि अपन इनकी वायर्स निकाल के सेटल कर सकते हैं. लेट्स सी कैसे करते हैं, आई एम रियली कंफ्यूज. लेट्स गो. ओके दोस्तों, जितना टफ सोचा था उतना ज्यादा भी टफ नहीं है, बट अब क्योंकि वायर्स ऑलरेडी लगी हुई है तो अपने लिए इजी रह रहा है. एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैं और चीज दिखाता हूँ क्या चल रहा है. ओके फाइनली हियर यू कैन सी, यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई वायर्स किस तरह से मैं जो मैनेज कर रहा हूँ. अभी मैंने बहुत हद तक जो है कुछ वायर्स सेटल की है, बट यहाँ पे यहाँ की आगे की जो वायर्स है ना, जो ये फैन वगैरह ऑडियो वगैरह कनेक्ट करते हैं उनमें दिक्कत है. जैसे कि मैंने अब यहाँ से एक वायर निकाली है, अब ये जो है ये वाली वायर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, देखो कैबिनेट में ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है. सो अपन इसे क्या करेंगे, अपन इसे पीछे सेटल डाउन कर देंगे लाइक दिस. एंड ये जो तुम अभी लंबी सी देख रहे हो इसे भी अपन पीछे ही सेटल डाउन कर देंगे. ये क्या ऐसे रह जाएगी इस पर, ये देखो ये चिपक जाएगी किसी तरीके से. अपन इसे पेस्ट कर देंगे या जो भी, अपन इसे बंद कर देंगे. सो वायर भी पीछे रह जाएगी एंड अपना आगे से जो कैबिनेट है वो भी साफ सुथरा रहेगा एंड ज्यादा डस्टी भी नहीं रहेगा, अपन इजीली फिर क्लीन भी कर पाएंगे. सो ये सब चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करता हूँ एंड तुम्हें दिखाता हूँ रिजल्ट इसका, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा एंड ऐसे तुम समझ भी नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है. लेट्स सी भाई, एनपीसी बूट करते वक्त तो मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाएगी. लेट्स सी क्या होता है. तो दोस्तों ये देखो ये वाली वायर भाई, इस वाली वायर के कारण इतना ज्यादा बेकार लग रहा था ना एंड तुम देख सकते हो थोड़ा थोड़ा शायद वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अपन पीछे वाला लेट जब बंद करेंगे तब समझ में आएगा कि थोड़ी थोड़ी केबल मैनेजमेंट थोड़ी सही हो रही है. एंड ये देखो ये सब चीज़ें कंफ्यूज करती है भाई, ये एलईडी एंड ये एक और एलईडी, पावर ऑन पावर ऑफ एंड ये शायद रीसेट वाला है. सो अब इन्हें कैसे लगाना है आई डोंट नो. मैंने यहाँ से खूब सारे निकाल लिए, अब देखते हैं अपन इन्हें कैसे लगाते हैं. एंड यहाँ पे लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ, एफ पैनल है ये एंड ये से सारी चीजें, जैसे कि तुम देख रहे हो ना ये सारी चीजें कंट्रोल होती है. सो ये कमांड देने के
लिए है एंड इसी से ऑन होता है अपना पीसी। लेट्स सी अपन इसे कैसे लगाते हैं एंड यहाँ पे सारी अलग अलग अपन को देखने को मिल रही है। तो ये पैनल वाली चीज़ इसमें लगाते हैं अपन एंड इन केबल को भी अरेंज करते हैं। ये भाई बहुत ज़्यादा ऐसे बिखरी हुई थी एंड हर एक केबल इंडिविजुअल में ही बाहर इधर उधर जा रही थी, तो इन सबको एक साथ लेके जाऊंगा पीछे से। कई दोस्तों चीजें ईजी रहती है, बस कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा किस में लगेगा। तो SDA प्लस तुम देख रहे हो, पावर LED, पावर स्विच, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। स्पीकर एवरीथिंग यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे जो कमांड दिए हुए हैं ये इन वायर्स के ऊपर जो लिखे हुए हैं, ये देखो ये जो लिखे हुए इनके ऊपर। सो इनसे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है भाई, है ना, समझ रहे हो तुम। सो अपन इसको इसमें लगा देंगे ऐसे करके, जिस हिसाब से बताया हुआ है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ये जिस हिसाब से लगेगा वैसे अपन इसे लगा देंगे एंड सिंपली हो जाएगा भाई। एफ पैनल का सारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा एंड ये सारे पावर वगैरह के इसमें लग जाएंगे, बहुत ईजी है भाई। चलो इसे लगाते हैं। जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे पिन दिखाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे कितने ज्यादा छोटे, अरे नहीं ये तो फिर भी बड़ा है, ये देखो, अरे ये देखो। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पिन है, सिंगल में डलेंगे, एक ही सिंगल में डलेंगे। सो इसमें बहुत ज़्यादा नाजुक हाथ रखना तुम अपने, है ना, लगाते वक्त, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अगर ये टूट गया तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी भाई। सो इसको जो है बहुत ही नाजुक हाथों से लगाना, इसके अंदर डाल देना, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये LED का है, ये LED इंडिकेट करते हैं पावर के, ये देखो ये रहा पावर LED। सो प्लस यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे ये दोनों लग जाएंगे ऐसे ऐसे करके इन ऊपर के दोनों पोर्ट में। दोस्तों ये देखो यहाँ पे अपन ने जो है इन दोनों को लगा चुके हैं, ये पावर स्विच एंड ये जो है LED इंडिकेशन वाले, ये दोनों अपन लगा चुके हैं, ये देखो। अरे ये फोकस क्यों नहीं कर रहा इस पे, ये देखो पावर LED प्लस माइनस एंड पावर SW। सो अपन इसमें लगा चुके हैं एंड यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो भाई अपन को और भी वायर्स अभी बची हुई है, वो भी अपन को लगानी है एयरगेंसी। ये भाई ये लटक रहा अगला वायरस बेचारा। ओके सो फाइनली एयरगेंसी अपने सारी वायर्स लगा दी है एयरगेंसी, ये देखो चारों लग गई रीसेट एंड ये जो है LED की भी, ये सारी अपन ने लगा दी चारों, क्योंकि मैंने कैसे अरेंज करना था। ये पूरी सीधी उस साइड से आ रही थी, एकदम ही उस साइड से आ रही थी एंड बिखरी हुई सारे वायर्स में लिपटी हुई, जिसको मैंने पीछे से ले लिया एंड ये जो है अपन इस साइड ले दिए हैं, इसे डाल दिए हैं। ओके सो दोस्तों कुछ केबल ऐसी होती है जो सामने के सामने आ रही है, जैसे कि अपनी SSD वाली केबल, ये तुम देख सकते हो, ये देखो पूरी जो है ये एक ही सामने आ रही है एंड ये इधर से कनेक्शन ले रही है एंड ये SSD में जा रही है। ये SSD के अंदर जा रही है। सो अपन को जो है इसे स्विच करना होगा भाई, अपन इसे किस तरीके से लगाए आई डोंट नो, बट ये जो है ये देखो सामने के सामने है, तो इसमें ज़्यादा मैं सेटलमेंट्स कर नहीं सकता, बट फिर भी अपना PC बहुत हद तक जो है खास करके इस वाली वायर के कारण बहुत सही हो चुका है। मैं बिफोर एंड आफ्टर तुम्हें दिखाऊंगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट भाई, समझ में आएगा तुम्हें कि कितनी मेहनत की है बबुआ हमने। चलो ओके दोस्तों तुम यहाँ पे देख सकते हो खूब सारी वायर्स यहाँ पे आ चुकी है पहले के कंपैरिजन में, अब देखो तो तुम कितनी सारी वायर्स अपन यहाँ पे सेटल ऑन कर चुके हैं। बट इसके लिए अपन को थोड़ा बहुत जो है टेप वेप से अपन इसे अगर चिपका दे या फिर अपने पास वायर टक करने वाला कुछ होता, बट वो अपने पास है नहीं जुगाड़, तो मैं इसके लिए ये एक पेपर टेप लेके आया जिससे अपन इसे इजीली लगा देंगे एंड ये टेप इसलिए लेके आया ताकि चिपचिपी भी ना रहे, वो ब्लैक वाली से बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। सो अब अपन इसे लगाते हैं एंड फिर आगे का माल मसाला दिखाता हूँ एंड पहले से कंपैरिजन करते हैं, लेट्स सी कैसा लगता है भाई, साफ सफाई भी कर देंगे थोड़ी। दोस्तों फाइनली बहुत सी साफ सफाई के बाद ये देखो ब्रश भी गंदा हो गया, क्या क्या गंदा हो गया, ये देखो ये भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, अपन ने इसे जो है जोड़ दिया एंड अब अपन को बस इसे स्क्रू करना है एंड देखो मैं वहां का रिजल्ट तुम्हें अभी दिखाऊंगा, जस्ट वेट भाई। अपन इसे जल्दी से स्क्रू अप करते हैं, देखो यहाँ पे स्क्रूज लगाने हैं, वो लगा देते हैं एंड ये पैक हो चुका है बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबली पैक हो गया। मुझे लगा वायर्स बहुत ज्यादा मोटी है तो नहीं होगी, बट हो गया। करने में लिटरली मैं जो है थोड़ा डर वर भी रहा था कि भाई ये सही से होगा कि नहीं होगा एंड मे बी देखो PC बूट अप कर जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि कुछ दिक्कत होगी, बट फिर भी जो है थोड़ी बहुत ऐसे है जो है डर लगता है फर्स्ट टाइम में, बट तुम अगर थोड़ी बहुत चीज़ें जान जाओ तो बहुत ही ईजी। अगर ये एकदम न्यू PC होता है एंड अपन सारी चीज़ें खुद से लगा रहे होते तो और अच्छे से अपन केबल मैनेजमेंट कर पाते, बट चीज़ें बहुत पहले से सेटल डाउन थी, सो उसके हिसाब से जितना केबल मैनेजमेंट हो सकता था उतना अपन ने किया एंड रिजल्ट्स तुम्हें जो देखने को मिलेंगे वो अच्छे ही होंगे। लेट्स गो, वी आर फाइनली डन एंड हियर यू कैन सी, तुम्हें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि देखो ये ऐसी वायर्स जो होती है ना एक के साथ ही दो निकल रही है, ये पता नहीं क्यों है एंड आई डोंट नो अबाउट दिस वायर्स, बट तुम देख सकते हो अपने बहुत हद तक सेटल डाउन किया है एंड क्लीन भी किया है, तो अब PC बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले के शॉट्स भी तुम्हें दिखाऊंगा एंड उसके कंपैरिजन में केबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, लाइक वो जो बहुत सारी वायर्स इस साइड से भी आ रही थी वो भी हट गई एंड एवरीथिंग इज़ टू द पॉइंट एंड अब अपना PC फिर भी थोड़ा डिसेंट लग रहा है पहले कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम प्रो टिप है ये या फिर मैंने बहुत अच्छे से कर दिया वो केबल मैनेजमेंट, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, बट फिर भी जो है बाकी ऐसे अपन ने बहुत हद तक अच्छे से इसे जो है मैनेज कर दिया केबल्स को। अब कुछ कुछ देखो ऐसी वायर्स जो है इनका अपन कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते इस तरह से, अपन को पूरा रीबिल्ड करना पड़ेगा, PC चीज़ें निकालनी पड़ेगी एंड इसका कैबिनेट के वायर्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा नाजुक से थे, तो इसलिए मैंने जो पूरा निकालने की कोशिश नहीं की, अपन ने इतने में ही सेटल डाउन कर दिया एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो
दोस्तों दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड। सही में बहुत ज़्यादा मजा आया, मैंने केबल मैनेजमेंट किया, मैंने थोड़ी बहुत तुम्हें चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से होती है। दोस्तों तुम भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, कभी हेजिटेट मत करना, बहुत ही आसान रहता है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे पानी वानी मत लगा देना हो, ऐसे वायर जो है ऑन वन हो, पावर सप्लाई लगी हुई हो, मतलब पावर सप्लाई में केबल लगी हो, तो भी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। सो अपने देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया एंड अपना पीसी भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बूट अप हो गया एंड सही में बहुत ज़्यादा मजा आया। अच्छी वीडियो में तो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट व्हाटएवर यू वांट।